गाइस एपेक्स लेजेंड मोबाइल ने अपने साथ ये बहुत ही गलत कर दिया यार। यार ये प्री रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ लिमिटेड यूजर्स के लिए रख दिया है, लेकिन स्पाइडी इधर आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है जो कंफर्म वर्क करेगा। और हो सके तो ये वीडियो पूरा देखना, लेट्स गो। व्हाट्स अप यूट्यूब, मेरा नाम है स्पाइडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। So guys, आज का रैंडम शॉटआउट जाता है जस्ट थक को। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि यार आप सबके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। रोज कंटेंट अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। आप सपोर्ट कर रहे हो तो एक टाइप से मोटिवेट हो रहा हूँ और रोज अपलोड कर रहा हूँ। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम शॉटआउट देते रहता हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। गाइस बहुत से लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन देखने नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि बेटा सिर्फ हम 1000 यूजर्स को देंगे इंडिया एंड फिलीपींस में। मतलब 1000 यूजर्स देंगे जो आप बेटा वर्जन खेल सकते हो। मतलब जो लोग को प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में लेट पता चला, शायद तब तक वो 1000 यूजर्स का मांग फुल हो चुका था। एपेक्स लेजेंड टीम यार क्या कर रहे हो? एक तो इधर पहले से परिस्थिति खराब है, सब यूजर्स को देने का ना खेलने के लिए क्या फालतूगिरी लगा के रखा है ना, भगवान को पता। इन लोगों को काम धंधा ही नहीं है। एक तो पहले ही पबजी बैन है और ये फौजी कुछ काम का नहीं है। नॉनसेंस। अरे लेकिन गाइस डरो मत, आपका भाई आपके साथ है। इसलिए मैंने उनको कांटेक्ट किया, डीएम किया, पर हरामी लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया। एक नंबर के हरामी लोग। सो गाइस आप लोग पूछोगे कि स्पाइडी यार कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो वे होगा। तो गाइस ऐसा सेम प्रॉब्लम है ना कॉल ऑफ ड्यूटी के टाइम भी हुआ था। तभी बहुत लोगों ने उनको डीएम किया, ट्वीट किया, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने भी उनको ट्वीट किया था, हैशटैग्स यूज़ किया था ट्विटर पे, और तब जाके उन्होंने सबको अवेलेबल किया था बेटा वर्जन। तो वो एक वे से आप सबको भी देखने मिलेगा अगर ये वे अगर ट्राई करेंगे तो। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो समझो नहीं हुआ, अगर एपेक्स लेजेंड फिर भी नहीं माना तो यार कोई बात नहीं, इसके ऊपर और एक सोल्यूशन है। मैं है ना, टेंशन नहीं लेने का। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो गाइस आपके फ्रेंड सर्कल में एक दो दोस्तों ने तो भी कम से कम रजिस्टर किया ही रहेगा। तो अगर आप सबको गेम खेलना ही है तो जब बेटा वर्जन रिलीज होगा तब वो डाउनलोड कर लेंगे, आपके दोस्त डाउनलोड कर लेंगे, एंड तब फिर आप उनके उनसे मतलब एक ही एपीके फाइल एंड एपीके एंड फाइल दोनों ले सकते हो। तो अगर हाँ पता है मुझे शेयर इट बैन है, तो आप शेयर मी यूज़ कर सकते हो, हर एक के फ़ोन में शेयर मी अवेलेबल है। तो आप जब भी वो डाउनलोड कर लेगा गेम, आप उनसे शेयर मी से ले लेना गेम एंड खेल लेना, आराम से खेल सकते हो। कोई अगर आपको नहीं पता शेयर मी के, आप चेकआउट कर सकते हो, आपका फ़ोन एक बार चेक कर लेना, उसमें शेयर मी रहेगा। अगर इनकेस नहीं रहता है, बाई चांस अगर नहीं रहा, तो आप ज़ैपिया डाउनलोड कर लेना, जो एंड्रॉयड iOS दोनों पे चलता है। तो आप ज़ैपिया इंस्टॉल कर लेना, आपके इसमें चल जाएगा। एंड हाँ गाइस, अगर आप में से ऐसा कोई है जिनके एक भी दोस्तों के पास मतलब रजिस्टर नहीं हुआ गेम, अगर ऐसा है तो यार मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जब बेटा वर्जन आएगा तब मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक से एपीके और फाइल दोनों डाउनलोड कर लेना। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए जब गेम रिलीज होगा, तो आप सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जब भी वो वीडियो डालूँ तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तभी वीडियो देख के डाउनलोड कर लेना। मैं एपीके और फाइल दोनों दे दूंगा आपको। एंड और एक बात, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि डिवाइस रिक्वायरमेंट क्या है। यार मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, अगर आपको देखना है कि आपके फ़ोन में गेम चलेगा या नहीं, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिटेल में पूरा बताया कि कौन से फ़ोन में गेम चलेगा नहीं चलेगा, डिवाइस रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम स्पेसिफिकेशंस क्या है, मैंने पूरा डिटेल में बताया। पर अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा फ़ोन लो रेंज में, मतलब मेरा डिवाइस का स्पेक्स बहुत ही कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वन प्लस यूज़ करे, वन प्लस सेवन यूज़र है, वन प्लस एट यूज़र है मेरा एक दोस्त, उनके फ़ोन में भी कंपेटेबिलिटी नहीं, मतलब कंपेटेबल नहीं था गेम, प्री रजिस्ट्रेशन का उन्हें आया ही नहीं ऑप्शन। मैंने लिंक शेयर किया, वो रजिस्टर ही नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडमी नोट 10 वाले, रेडमी नोट 4 5 वाले भी, मतलब उनके फ़ोन में भी मैंने देखा प्री रजिस्टर होते हुए। मेरा एक दोस्त है उसके इसमें भी रजिस्टर हो गया, पर वन प्लस यूजर्स में नहीं हुआ रजिस्टर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लो रेंज डिवाइस है मेरा इसके वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी शॉर्ट नहीं है। इन शॉर्ट ये एक ही बात है कि मतलब उन्होंने जो बोला था कि इंडिया एंड फिलीपींस में हम लोग सिर्फ 1000 यूजर्स के अराउंड हम खेलने देंगे बेटा वर्जन, वही चीज़ उधर हुआ है। एंड मतलब जिन्होंने लेट देखा, मतलब लेट जिसको लेट पता चला ये,
वो रजिस्टर करने गए तो उन्हें रजिस्टर मिला नहीं क्योंकि फुल हो गया था। तो यही एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि आपका डिवाइस लो रेंज वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। गेम सबके फ़ोन में चलेगा। एपेक्स लेजेंड टीम को भी कमाने गए, अगर देखा जाए रेशियो देखा जाए तो लोअर डिवाइस वाले, लोअर रेंज डिवाइस वाले बहुत है कंपेयर टू हाई एंड डिवाइस वाले। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। अगर आपको और क्लैरिफाई चाहिए और क्लियरली इसके बारे में डिटेल में चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो, मैंने डिटेल में बताया। एंड और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि स्पाइडी ये बेटा वर्जन ही ग्लोबल वर्जन होगा क्या? तो मतलब मैं इधर बोल दूँ आपको, ये अलग है। बेटा वर्जन सिर्फ टेस्टिंग के लिए रहता है। एक बार उनका बेटा वर्जन टेस्टिंग हो गया, 10-15 डेज का कुछ टेस्टिंग रहेगा, ये एक बार बेटा वर्जन का टेस्ट हो गया, उन्होंने लोगों से फीडबैक ले लिया, फिर ये बेटा वर्जन प्ले स्टोर से निकल जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद आपको फिर ट्रेलर देखने मिलेगा, सेकेंड ट्रेलर देखने मिलेगा, या फिर मे बी उन्होंने ग्लोबल रिलीज का एक डेट दे देंगे, फिर उसके बाद हमें गेम देखने मिलेगा ऑफिशियली, या फिर उसका प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। उसका प्री रजिस्टर भी हमें ग्लोबल का देखने मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, वो अभी देखना पड़ेगा। एंड ऊपर से न्यूज़ निकल के आ रही कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल का नाम एपेक्स हीरोज़ होगा ग्लोबली। ग्लोबल वर्जन जब रिलीज़ होगा तब देखा जाएगा, पर अगर आपको ग्लोबल वर्जन कब तक देखने मिलेगा ऐसा अगर आपको है माइंड में थॉट है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, सेकेंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैंने पूरा उसमें एस्टिमेटेड मतलब बताया कि कौन से मंथ में आ सकता है गेम डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स, मतलब उनका ये कॉन्फ्रेंस जल्दी होने वाला है, फिर एनुअल गेम शो होने वाला है टेंसेंट की तरफ से, उधर वो गेम अपने अपकमिंग गेम्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फो देते रहते, तो मैंने ऊपर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपका जितना भी अभी डाउट रहेगा वो क्लियर हो गया रहेगा, मैंने तो ईजी मेथड दे दिया आपको। तो जो भी टेंशन ले रहे थे यार, हमें भी खेलना है, सब लोग खेलेंगे, टेंशन मत लो, और सब लोग मतलब एंजॉय करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एंड इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया या फिर आपके पास कोई अलग कुछ अलग वे रहेगा या फिर कुछ अलग मेथड रहेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर देना, मैं उधर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ये वाले चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे लीक्स अपडेट्स एंड गेम प्लेज अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। एंड हाँ गाइस, अगर आपको रैंडम शाउट आउट चाहिए तो आपको बस सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना है, डन, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, मेरे अपकमिंग वीडियोस पर आपको रैंडम शाउट आउट मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अडियो अमिगोस, सी या। That is supposed to be done. Guess that's why I'm number one. They don't know. Moments has only begun. Really, we're just having fun. Playing up.